हेलो दोस्तों, ये कटिंग का काम है। इसके ऊपर कटिंग का सामान रख के सिलाई होता है, और इसमें आप देख सकते हैं कैसे छील चिपका हुआ है। अभी मैं कटिंग करके आपको दिखाएगा इसमें कैसे छील भी चिपकता है, और उसके बाद दिखाएगा कैसे इस गम से छील निकलता है। हाँ ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं फिर से ये कटिंग किया हूँ। इसमें सोने का छील चिपक रहा है गम में, और ये गम से कैसे छील निकलता है सोने का छील, वो मैं आपको वो निकलते हुए मैं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए आप शुरू करें। इस गम को अभी मैं छोटा छोटा टुकड़ा करेगा, फिर उसके बाद इसको आग में जलाएगा। अभी मैं टुकड़ा करता हूँ, आप लोग देखिए ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे छोटा छोटा इसको ये हो गया। अभी इसको मैं आग में जलाएगा। अभी आग में बिठाया, एक प्याला के ऊपर रख के, ये अभी थोड़ा सफेद टाइप का होगा आग में जलने के बाद। देखिए आप, अभी देखिए आप लोग, एक साइड से सफेद हो रहा है, मतलब ये सूख रहा है। इसके बाद ये पूरा सूख जाएगा, पूरा सफेद हो जाएगा। अभी सूखने के लिए तैयार है। अभी भी इसमें के अंदर कुछ पानी जैसा है, इसलिए जल रहा है। अभी थोड़ी देर में ये सूख जाएगा। ये देखिए आग पूरा बुझ गया, मतलब ये सूख गया। अभी इसको मैं डस्ट करेगा, वो आपको दिखा रहे। हाँ, अभी इसको पीसना है। पीसने के बाद इसको अभी मैं पीसने जा रहा हूं। अब देखिए, इसके इसको एकदम पाउडर सा बनाना है। देखिए पाउडर हो गया, पूरा पाउडर हो गया। फिर इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड से भिगोएंगे। हाँ, अभी मैं सल्फ्यूरिक एसिड डालने जा रहा हूँ। देखिए इसके बाद इसमें थोड़ा पानी डालना चाहिए। अभी इसको कम से कम 12 घंटा ऐसे ही रहने देना है, उसके बाद इसमें से सोना निकलेगा।
12 घंटा हो गया, 12 घंटे के बाद इससे हम पानी निकल रहा है। ठीक है, देखिए अभी इसको थोड़ा हाथ से पीसना है। फिर इसमें थोड़ा पानी डालना है। फिर वो पानी को निकालना है। इसमें पानी डाल के थोड़ा मसलना है फिर से। फिर उसको ये पानी को धीरे से निकालना है। और भी थोड़ा पानी डालना है इसमें। फिर एक बार हाथ से मसलना है। फिर इससे वो पानी को निकालना है। ये देखिए नीचे थोड़ा सुना दिख रहा है आप लोगों को। देखिए ये पानी के ऊपर थोड़ा सोना ऊपर आ गया। इसको नीचे डालने के लिए इसमें ईटिंग सोडा डालना पड़ेगा आपको। देखिए मैं ईटिंग सोडा डाल रहा हूँ। थोड़ा पानी डाल देता हूँ। ये पानी के ऊपर जो सोना भस गया उसको नीचे डालने के लिए ईटिंग सोडा डालना पड़ता है। ईटिंग सोडा डालने से वो सोना नीचे बैठ जाता है। देखिए मैंने ईटिंग सोडा डाल दिया। अभी देखिए सब नीचे चला गया। और भी आधा घंटा रखना पड़ेगा, सब नीचे आ जाएगा। फिर ईटिंग सोडा डाला था। ईटिंग सोडा डालने के बाद देखिए सोना भस नहीं रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है। ठीक है, कम से कम 2 घंटा हो गए ऐसे ही रख दिया। अभी इसको इसमें से ईटिंग सोडा का जो पानी है उसको हम निकालने जा रहे हैं। धीरे से निकालना पड़ेगा।
अभी मैं इसमें नाइट्रिक डालने जा रहा हूँ, ठीक है? देखिए नाइट्रिक एसिड, थोड़ा ध्यान से कीजिए, नाइट्रिक एसिड है ये। नाइट्रिक एसिड का जो काम है, प्लीज आप लोग ग्लव्स और मास्क पहन कर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये सोना निकला है कागज के अंदर है, ये अभी मैं गलाने जा रहा हूँ। ये मैं सुहागा डाल रहा हूँ इसमें, देखिए ये सुहागा डाल दिया, थोड़ा सा ईटिंग सोडा डाल दिया, अभी हिला दिया है सोना। देखिए मैं खोलने जा रहा हूँ इसको, ये हम लोग जो आप लोगों को प्रोसेस दिखाया वो गाम से सोना निकालने का, इसमें इतना सा सोना निकले, देखिए। थैंक यू, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज आप शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए, जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।